आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर मैश पोटैटोज बनाना। बहुत सिंपल होता है। चीज़ें जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगी, आपको चाहिए होंगे आलू, इसके लिए जो मर्जी से आप कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा दूध यानी कि मिल्क और बटर यानी कि मक्खन चाहिए। अनसॉल्टेड इस्तेमाल कर लें, सॉल्टेड दैट्स योर चॉइस। ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई आपको चाहिए, काली मिर्चें, नमक यानी कि सॉल्ट चाहिए। अगर आप चाहें और फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको आज सिंपल सिखा रही हूँ मैश पोटैटो बनाना। ये बहुत सी चीज़ों के साथ में एज ए साइड डिश खाया जा सकता है। तो आपको दिखाते हैं कि आप इसको बनाना किस तरह है। अब आपने क्या करना है, देखें इसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया हुआ और इन्हें मैंने मोटे चंक्स में काट लिया, क्योंकि हमने इन्हें मैश करना। तो इसको काटने का कोई इतना ख़ास आपको हिसाब नहीं रखना। पानी आप खुला रखेंगे पैन में और छील करके आपने टुकड़े कर लेने हैं और इन तमाम पीसेस को हम डाल रहे हैं पानी में और इसे आप बॉयल होने देंगे। इतना आपने इसे कुक करना है कि जब आप इसमें छुरी या फॉक कोई भी शार्प चीज़ इंसर्ट करेंगे तो ईजिली इसके अंदर थ्रू हो जानी चाहिए। तो मतलब है कि बिल्कुल ये जो है पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और फिर आपको आगे दिखाएंगे नेक्स्ट आपने क्या करना है। फुल फ्लेम पर ये बॉयल आपने इसको करना है। कोई आपने इसका जो है चूल्हे को आपने लो नहीं करना है। ये देख लें परफेक्टली इतना आपको चाहिए इसको सॉफ्ट करना। पानी को आप कर लेंगे ड्रेन और इसे हम अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें परफेक्टली हमने इसे कर लिया मैश। आप इसको फॉक के साथ कर सकते हैं या विद अ मैशर, कोई इसमें मसला नहीं है। यहीं पर अब आपने मैश कर लेने के बाद इसे आप डालेंगे दोबारा उसी हांडी में। पानी आपने इसको जो था ड्रेन कर लिए, बीच में चला गया दूध। दूध के साथ ही आप इसको जो है मिक्सअप करेंगे। अभी आपको ये पतला लग रहा है, हमने इसको सिर्फ इतना कुक करना होगा तमाम चीज़ों को डाल करके कि ये ज़रा थिक हो जाएगा। आप देखेंगे इट विल स्टार्ट स्प्लैटरिंग। काफ़ी इसमें से आपको देखेंगे बबल्स बनने शुरू हो जाए जैसे इसमें दूध जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो दूध डाल लेने के बाद यहीं पर हम ऐड कर रहे हैं जो हमारा है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और बटर। ये चला गया। तमाम चीज़ों को मेल्ट कर लें। फ्लेम फ़िलहाल हाई पर है और आपको दिखाते हैं कि जैसे बटर जो है मेल्ट हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा और कितना आपने इसको मज़ीद और कुक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए यानी कि दूध जो है ड्राई होना शुरू हो चुका है बीच में। तो आपने इसको सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये थिकनेस की तरफ आ जाए और लिक्विड इसमें इंटायरली ड्राई हो जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्प्लैटर करा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कर रहा है, तो आप इस पर जो है लिड डाल सकते हैं। फ्लेम जो है आप बेशक इसको फुल पर रखें और साथ साथ बीच में जो यूँ है चमचा हिलाते रहें और हाथों पे प्लीज़ ज़रूर जो अवन मिटन्स होते हैं वो पहन लीजिएगा ताकि आपके हाथों पर जो है गरम मैश पोटैटो ना आए। तो इसी तरह इसको पका लेते हैं, अच्छी तरह ड्राई हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं इसका एंड रिजल्ट किस तरह होगा। इतना आपने इसको पकाना है कि ये थिकनेस की तरफ आ जाता है, दूध बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जो है सॉरी ड्राई हो जाता है। देखिए जब आप ये बनाते हैं मैश पोटैटो इसमें बहुत से तरीके हैं। यू कैन ऐड चीज़ इन दे, आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप इसमें स्पाइसेस और डाल सकते हैं। मेरा जो है इस वक्त कलर आपको इसलिए डार्क लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको प्लेन बना लें, बीच में चीज़ ऐड करें, बीच में आप डाल सकते हैं जिस तरह ऑर्गानो है, थाइम है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस वो ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। ऑन इट्स ओन भी आप खा करके चेक कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगता है। ये बन चुका है, आप इसको डिश आउट कर लें। इसको सर्व करते हैं। ऊपर आप डालेंगे बटर, दैट्स एन ऑप्शन अगर आप डालना चाहते हैं। सर्व करते हुए बहुत खूबसूरत लगता है। ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookwithfaiza.net। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।